हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। दो इक्वेशन दिया हुआ है, के का वैल्यू हमें फाइंड करना है। के का क्या वैल्यू होना चाहिए कि ये पूरा इक्वेशन, दोनों इक्वेशन है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। ये जो कॉन्स्टेंट पार्ट है वो इक्वल टू के इस साइड है, उसको हम उठा के इधर ले आएंगे। 2x - 3y - 7 = 0। और इस वाले इक्वेशन में भी कांस्टेंट पार्ट इक्वल टू के राइट साइड है, उसको उठा के लेफ्ट साइड ले आएंगे। तो के प्लस 1x + 1 - 2ky - 5k - 4 = 0, ये उठ के राइट साइड में आ गया। ठीक है, अब इसके बाद a1 / a2 के वैल्यू को लिखते हैं। a1 / a2 क्या हो गया, 2 / k + 1। b1 / b2 का वैल्यू हो जाएगा -3 / 1 - 2k। और c1 / c2 का वैल्यू हो गया -7 / -5k - 4। तो ये माइनस माइनस साइन कैंसिल हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के कंडीशन को हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस होने के लिए क्या कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, a1 / a2 = b1 / b2 = c1 / c2। ये तीनों को ही आपस में इक्वल होना पड़ेगा। ठीक है, तभी ये इन्फाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। वैल्यूज पुट करते हैं a1 / a2 का। तो a1 / a2 का वैल्यू हो गया 2 / k + 1 = -3 / 1 - 2k = 7 / 5k - 4। ठीक है, तो अब ये तीनों एक दूसरे के इक्वल है। तो इस सिचुएशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, एक बार इन दोनों को इक्वल लेके सॉल्व करेंगे और एक बार इन दोनों को इक्वल। पर तीनों चीज़ अगर जैसे a = b = c है, तीनों एक दूसरे के बराबर है, तो इसको इक्वेशन के फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। आइदर a = b, ये दोनों आपस में बराबर हो सकता है, या फिर b = c, या फिर a = c। तो तीन केस बना के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कभी भी तीन चीज़ आपस में अगर इक्वल है तो तीन केस बना के सॉल्व किया जा सकता है। तो लेकिन तीन का रेयरली हमें यूज़ नहीं होता है, दो ही काफ़ी होता है, दो से हमारा काम हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बार इन दोनों को इक्वल करके सॉल्व करेंगे और एक बार इन दोनों को इक्वल करके सॉल्व करेंगे, तो वहाँ से हमें के का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, के का वैल्यू फाइंड करने के लिए तो एक ही काफ़ी है, लेकिन कन्फर्म करने के लिए हम दो केस सॉल्व करेंगे। तो this = this = this, तो इसको हम फर्दर ऐसे लिख सकते हैं, 2 / k + 1 = -3 / 1 - 2k, this = this and -3 / 1 - 2k = 7 / 5k - 4। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करेंगे, पैरेलली इसको भी सॉल्व करेंगे, दोनों में से हमें k का वैल्यू मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 * 1 - 2k = -3 * k + 1, तो हो जाएगा 2 - 4k = -3k - 3, और यहाँ पे हो जाएगा एंड क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो -3, ये 5k - 4 उठ के इधर ऊपर में आ जाएगा, तो 5k - 4 = 7, और ये 1 - 2k इधर चला गया, तो -3 * 5k - 15k + 12 = 7 - 1 = 7 - 2 = 14k। ठीक है, इसके बाद इसको इधर लिखते हैं हम लोग, 2 - 4k + 3k + 3 = 0। सबको लेफ्ट साइड ले आए, तो -4k + 3k ये बन गया -k, और 2 + 3 बन गया +5 = 0। तो -k = -5, या k को शिफ्ट कर देते तो डायरेक्ट आ जाता k = 5, माइनस माइनस कट जाएगा वैसे भी, तो k = 5। तो यहाँ से आ गया k का वैल्यू 5, और अगर इसको भी सॉल्व करके अगर k का वैल्यू आ गया 5, तो मतलब कंफर्म हो जाएगा कि k का वैल्यू 5 होगा। ठीक है, और इसको देखते हैं यहाँ से क्या आ रहा, -15k, ये 14k को उठा के इधर ले आएंगे, तो इधर आके हो जाएगा +14k = 7 अपने प्लेस पे है, और ये 12 उधर जाके माइनस हो गया -12। तो -15k + 14k ये बन गया -k, और 7 - 12 हो गया -5। तो माइनस माइनस यहाँ भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ से भी k का वैल्यू आ गया 5। तो k का वैल्यू दोनों ही केस में क्या आ रहा है, यहाँ से जो हमने दो केस बांट दिया, दोनों ही केस में k का वैल्यू आ गया 5। हैंस
इक्वल टू 5, ठीक है। और बस यही करना था इस क्वेश्चन में, हमें k का वैल्यू फाइंड करना था। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।